क्लास 7 लेसन 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके, इस चैप्टर में आज हम देखेंगे, यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है, उन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वीट्स एंड टूथ डिके, ठीक है, पिछली वीडियो में हम इसको नहीं देखे थे और आज हम इसी को देखेंगे। उसके बाद हम आगे टेस्ट बर्ड के बारे में देख रहे थे टंग के, फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्वीट एंड टूथ डिके यानी मीठा और दांतों का ख़राब होना। ठीक है, चलिए देखते हैं मीठे से किस तरह से दांतें ख़राब हो जाती हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। नॉर्मली क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है। हाउ एवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, हार्मफुल बैक्टीरिया मे ऑल्सो बिगेन टू लीव एंड ग्रो इन इट। अगर हम अपने दांतों का और अपने मुंह का खाने के बाद, ठीक है, साफ़ नहीं करेंगे, ठीक है, यदि उसको हम क्लीन नहीं करेंगे तो कई सारे नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया उसमें आ जाएंगे, रहने लगेंगे और ग्रो करने लगेंगे। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो भी खाना होता है, ठीक है, जो भी हम खाना खाए रहते हैं, यदि हम मुंह को साफ़ नहीं करेंगे और कोई खाना यदि हमारे मुंह में फंसा होगा, ठीक, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया उसको, उस खाने को, शुगर को, ठीक है, ब्रेक डाउन करेगा और उसके बाद उसमें से एसिड रिलीज होगा, और जब वो एसिड रिलीज होगा तो वो हमारे दांतों को नुकसान पहुँचाने लगेगा। ठीक है, एसिड के बारे में हम चैप्टर 5 में देखेंगे। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, वो एसिड क्या करेगा, धीरे धीरे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाने लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए किस तरीके से दांतों को नुकसान पहुंचा है। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके, इसी को क्या कहेंगे, दांतों का ख़राब होना कहेंगे। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, यदि इसको सही समय पे ट्रीट नहीं किया गया, मतलब इसका सही समय पे इलाज नहीं कराया गया, इट कॉज सीवरल टूट एक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस, तो इसकी वजह से क्या होगा, दांतों में बहुत भयंकर दर्द होने लगेगा और ऐसी भी कंडीशन हो जाएगी कि दांतों को निकलवाना पड़ जाए। चॉकलेट स्वीट सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके। चॉकलेट्स हो गए, स्वीट सॉफ्ट ड्रिंक हो गया या फिर मिठाइयाँ हो गई, ये सभी दांतों के लिए क्या हैं, काफ़ी नुकसानदायक हैं। ठीक, इसकी वजह से दांत काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन टीथ विथ ब्रश और दातुन एंड डेंटल फ्लॉस, इसलिए हर किसी को क्या करना चाहिए, अपने दांतों को ब्रश से, दातुन से, ठीक है, या फिर डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस क्या होता है, एक इस तरीके से पतला सा थ्रेड होता है जिसको दांतों के बीच में डाल के क्या किया जाता है, हिलाया जाता है, तो जो भी खाना दांतों के बीच में फंसा होता है वह निकल जाता है। ठीक, तो हमें इन सभी चीज़ों से अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड राइज द माउथ आफ्टर एवरी मील, कम से कम दिन में दो बार, ठीक है, हमें ब्रश करना चाहिए, ठीक है, अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए और हर खाने के बाद हमें अपने मुंह को भी साफ़ कर लेना चाहिए जब भी हम कुछ खाएं। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा दांत जल्दी ख़राब नहीं होगा, हमें टूथ डिके का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने हाथों को साफ रखना चाहिए, कभी भी गंदी फिंगर को, ठीक है, डर्टी फिंगर को अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए, ना ही किसी ऐसी चीज़ को मुंह में डालना चाहिए जो धुली हुई ना हो, ठीक है, यानी हमें किसी भी गंदी चीज़ को अपने मुँह में नहीं डालना चाहिए। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। समटाइम्स वेन यू ईट इन हरी, ठीक है, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग यू मे कफ गेट हिकअप्स एंड चोकिंग सेंसेशन, कभी कभी क्या होता है जब आप बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं या बात करते हुए खाते हैं या खाते हुए हंसते हैं तो खाना क्या हो, उस तब अचानक आपको क्या होने लगता है, खांसी आने लगती है, हिचकी आने लगती है या फिर सांस फूलने लगता है, दम घुटने लगता है, ऐसा महसूस होता है जब कभी हम जल्दी जल्दी खा रहे हों, ठीक है, या फिर हंसते हुए खाएँ या बात करके खाएँ। दिस हैपन्स वेन फूड पार्टिकल्स इंटर द विंड पाइप, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा खाना होता है वह विंड पाइप में चला जाता है। द विंड पाइप कैरी एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स, विंड पाइप क्या करता है कि हमारी नाक की जो छेद है उससे हवा को लेता है और हमारे लंग्स तक पहुंचाता है। इट रन एडजेसेंट द फूड पाइप, और ये विंड पाइप फूड पाइप के बगल में पाया जाता है, ठीक है। बट इन साइड द थ्रॉट एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज, लेकिन गले के अंदर क्या होता है, खाने का, ठीक है, विंड पाइप का और जो फूड पाइप होता है उसका रास्ता सेम ही होता है, ठीक। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, तो खाने को किस तरीके से बचाया जा सकता है विंड पाइप में जाने से, ठीक है, यदि हम खाना खा रहे हैं और विंड पाइप भी है और फूड पाइप भी है, दोनों अगल बगल में, तो किस तरीके से खाने को बचाया जा सकता है कि वह फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में न जाए।
ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सोलोइंग ए फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोजेज द पैसेज ऑफ विंड पाइप। क्या होता है, जब भी हम खाना चबाते हैं तो एक ढक्कन का आकार होता है जो क्या करता है, ढक्कन नुमा आकार होता है जो क्या करता है, विंड पाइप को ढक देता है। ठीक है, जब वो विंड पाइप को ढक देता है तो जो खाना होता है वो हमारा फूड पाइप से चला जाता है। लेकिन यदि हम हंसते हैं, बोलते हैं, तो क्या होने लगता है, वह विंड पाइप का ढक्कन खुल जाता है। इस वजह से क्या होता है कि वह खाना हमारे फूड पाइप में जाने की बजाय विंड पाइप में चला जाता है और उसी की वजह से हमें क्या होने लगता है, खांसी आने लगती है या हिचकी आने लगती है या हमारा दम घुटने लगता है। इफ बाई चांस फूड पार्टिकल इंटर्स द विंड पाइप वी विल चोक्ड एंड गेट हिकअप्स एंड कफ। वही, अगर गलती से खाना या बाई चांस खाना गलती से उसमें चला जाएगा विंड पाइप में, तो हमें हिचकी आने लगेगी, हमारा दम घुटने लगेगा और साथ ही साथ हमें खांसी भी आने लगेगी। अब हम आगे अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो कि टंग के टेस्ट बर्ड से रिलेटेड था। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा फूड पाइप या ओसियोफेगस। ठीक, तो उसको हम देखेंगे, लेकिन अभी उसके पहले हम एक एक्टिविटी को देख लेते हैं जो कि टंग पे बेस था। ठीक, टंग के टेस्ट बर्ड पे। चलिए सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ऑफ ईच। हमें एक सैंपल तैयार करना है, किस चीज़ का, शुगर सोल्यूशन यानी चीनी को घोल लेना है, कॉमन सॉल्ट का यानी नमक को पानी में घोल लेना है, लेमन जूस यानी नींबू का रस ले लेना है। ठीक है, और नीम का पत्ता या फिर करेला, ठीक है, इसका हमें जूस ले लेना है। ठीक, ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हिम और हर टू टेक आउट टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। उसके बाद क्या करना है, हमें अपने किसी भी एक क्लासमेट के आँख पे पट्टी बांध देना है, उससे कहना है अपनी जीभ को बाहर निकाले और सीधा रखे। ठीक है, यूज़ ए क्लीन टूथपिक। उसके बाद हमें क्या करना है, एक टूथपिक का इस्तेमाल करना है और इन सैंपल को एक बार करके उसके दांत के अलग, उसके मुँह में क्या करना है, उसके जीभ पर अलग अलग जगह पे उस सैंपल को रखना है। यानी कौन से सैंपल को, एक बार शुगर सोल्यूशन को या फिर ये जो कड़वा सोल्यूशन जो बना था नीम का उसको, या फिर ये लेमन का, मतलब इसको उसके जीभ पर रखना है। आस्क योर क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग शुड डिटेक्ट स्वीट सॉल्टी सॉर ए बीटर सबस्टेंस। उसके बाद अपने क्लासमेट से पूछना है कि उसको उस जीभ के कौन से एरिया पे मीठा महसूस हुआ, कहाँ पर उसको नमकीन महसूस हुआ, किस जगह पे उसको खट्टा महसूस हुआ, कहाँ पर उसको कड़वा महसूस हुआ। ठीक है, इस चीज़ को क्लासमेट से पूछना है और फिर क्या करना है, उस ऑब्जर्वेशन को हमें नोट कर लेना है। ठीक, ऐसा हमें दो तीन क्लासमेट के साथ करना है और हमें एक ऑब्जर्वेशन को नोट कर